Hello friends, welcome to Future Makers Academy. I am Divya. I am faculty of biology and today we will discuss about endoplasmic reticulum. फ्रेंड्स ये तो पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये सेल ऑर्गेनेली है कहाँ प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी सेल के बारे में उसमें हमने न्यूक्लियस पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी ये जो ये हमारा खाली पार्ट होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो फ्री फ्लोट कर रही होती हैं इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे फ्री फ्लोट कर रही होती हैं यहीं पे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो हमारा अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से कुछ इस तरह से तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी जो की थी वो पॉर्टर एक साइंटिस्ट आए थे पॉर्टर इन्होंने क्या किया था सेल ऑर्गेनली डिस्कवर की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1945 में फिर धीरे धीरे डिस्कवरी आगे बढ़ी तो पता लगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे दो तरह की होती है नंबर वन RER नंबर सेकेंड SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फर्दर प्रोसेस के बाद तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है पॉर्टर ने 1945 में डिस्कवरी की थी टू टाइप्स की होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर हम इसका मेजर पॉइंट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो यूनिसेल्युलर होती हैं वो क्या होती हैं कि वेल डिफाइंड जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये यूनिसेल्युलर होती हैं उनमें क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किससे अटैच होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है एंड प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसका सेल टू सेल जो साइज होता है शेप होती है वो वरी करती है इसका मतलब क्या कि अगर डिफरेंट टाइप्स की सेल होंगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा डिफरेंट होगा ये सेल टू सेल वेरी करता है फिर हम इसके आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम Thank you.
Endoplasmic reticulum is composed of three different parts. Number one is second is vesicles and third one is tubules. These are the parts of endoplasmic reticulum which composed of the structure of endoplasmic reticulum. Iska matlab kya hai? Cystrine, vesicles and tubules. ये तीन parts होते हैं जिससे endoplasmic reticulum totally बनता है, composed होता है. Cystrine is a long and unbranched plate. Vesicles these are round and ovoid and tubules are tube like structure. Tubules are tube like structure. इसका मतलब क्या है? Tubules tube like structure होती है. फिर आता है हमारा next types of ER. अभी कुछ time पहले हमने discuss किया कि जो endoplasmic reticulum होती है वो दो तरह की होती है, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Friends, इसमें ज़्यादा difference नहीं है, बस थोड़ा सा difference ये है कि जो rough endoplasmic reticulum होती है, वो क्या synthesis करती है? Proteins का synthesis करती है. And जो smooth endoplasmic reticulum होती है, वो किसका synthesis करती है? Steroid का synthesis करती है और fats का synthesis करती है. उसके बाद एक और चीज आती है इसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे? एग ग्रेन्यूलर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेकंड नाम होगा एग ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसका जो सेकंड नाम होगा वो क्या होगा? ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And this is a structure of endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं. जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मेजर डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है?
जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जस्ट लाइक दैट। बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी, जो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। बीड लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम, एंड दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कोई भी डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, क्योंकि वो सेल टू सेल डिफर होता है। अगर एक सेल है तो उसमें वो अलग होगा, उसके अलावा दूसरी सेल है तो वो उसमें उससे थोड़ा अलग होगा, तो इसलिए क्या है कि सेल टू सेल अलग ही होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है राइबोसोम किस चीज़ का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम जो सिंथेसिस करेंगे वो किसका सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन्स का। फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस क्या करेगी, फैट्स का सिंथेसिस करेगी। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या अटैच है इस पे, राइबोसोम्स अटैच है। किस चीज का सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फंक्शन फंक्शन तो सिमिलर ही होते हैं, फंक्शंस कॉमन टू बोथ SER एंड RER। इसका मतलब क्या है, जो ग्रैन्युलर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके फंक्शन, प्लस जो एक ग्रैन्युलर होती है, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शन ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। अगर हर चीज़ सिमिलर हुई तो दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों अलग अलग किया गया है, क्यों, क्योंकि दोनों के फंक्शंस काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं और अलग अलग भी हैं। फॉर एग्जांपल, अभी देखो, अभी हम देख लेते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया, प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो ये प्रोवाइड कराती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अगर कोई सेल डिवाइड हो रही है, अगर कोई सेल डिवाइड हो रही है तो ये क्या करेगी कि तब भी सेल डिवाइड होगी उसको न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो अटैच कहाँ होती है, कहाँ अटैच होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है,
इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से। तो ये क्या करता है, हर बार सेल डिवीजन में न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराता है किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फिर हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है SCR और RAR में। ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, सिंथेसिस किसका करती है, प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी साइट प्रोवाइड कराती है जिससे सिंथेसिस होता है किसका, प्रोटीन्स का। ये इस तरह की प्रोसेस करती है, हमने बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड एज राइबोसोम, जिनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इट मींस क्या, राइबोसोम्स इज प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स। देन फिर आता है अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी होती है जो बॉडी में बनती और चलती रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो क्या, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। अब नॉर्मली घरों में भी ऐसा तो नहीं होता कि खाना बना लिया और वो रखा रह जाए, देख देख के खा लिया जाए। अगर वो खाना बनाया जाता है तो वो खाया भी जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ, अगर प्रोटीन बनाई जा रही है, कोई प्रोसेस चल रही है प्रोटीन के सिंथेसिस की, तो इट मींस क्या, ट्रांसपोर्ट भी होगा। तो वही चीज़ इसके अंदर आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स का होता है। फिर सेकेंड जो होती है हमारी वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मींस एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बहुत सिंपल होती है, कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, कोई अदर एक्टिविटी नहीं, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली क्या सिंथेसाइज करती है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर दिया, स्टेरॉइड का सिंथेसिस किया या फिर लिपिड का सिंथेसिस किया। ये क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉइड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करती है और क्या करती है, लिपिड का सिंथेसिस करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। थैंक यू।